मॉर्निंग, आज आपके ऑटम ब्रेक के बाद आपकी फर्स्ट क्लास है एंड आई एम श्योर यू ऑल आर मिसिंग योर ऑटम ब्रेक्स वेरी मच, बट इट्स ओके, विंटर ब्रेक्स आर ऑल्सो अराइविंग आफ्टर सम डेज. ओके स्टूडेंट, सो आपने ऑटम ब्रेक से पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था चैप्टर कार्ड्स एंड व्हील्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर दैट एंड द चैप्टर इज हाफ्स एंड क्वार्टर्स. सी बेटा, जैसे ये वर्ड्स हैं हाफ्स एंड क्वार्टर, इन्हीं वर्ड्स में छिपा है हमारे इस चैप्टर का की समरी, कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं. ओके, सो लेट्स टेक द फर्स्ट वर्ड फॉर द फर्स्ट क्लास. द वर्ड इज हाफ्स, राइट. तो जो हाफ्स वर्ड है वो हमारा बन निकला है किस वर्ड से, फ्रॉम द वर्ड हाफ. ठीक है, तो ये जो हाफ होता है ये क्या होता है, हाफ का हिंदी वर्जन आप देखेंगे तो होता है आधा. ये हाफ वर्ड आप जनरली बहुत यूज करते हैं. एक चॉकलेट आपके घर में आई, ठीक है, और आपके घर में जो खाने वाले लोग हैं वो हैं दो, ठीक है, आप, आपके सिस्टर और आपके ब्रदर, जो भी हो, कोई भी हो सकता है. तो आपने क्या किया कि उस चॉकलेट के, आपने वो चॉकलेट ली और उस चॉकलेट के दो पार्ट कर दिए, यानी दो टुकड़े कर दिए. पार्ट का मतलब क्या है, दो हिस्से. तो आपने उसको ऐसे कर दिया. एंड देन यू ट्राइड टू गिव दिस पार्ट टू योर ब्रदर और टू योर सिस्टर और टू योर फ्रेंड, बट ही और शी डिनाइड. उसने बोला नो. अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है कि तुम ये बड़ा वाला पार्ट तुम खाओगे और ये छोटा वाला पार्ट मुझे दे रहे हो. तो उसने डिनाई कर दिया. फिर तुमने कहा अरे मैंने ये सोच के नहीं किया, मुझसे तो इसका पार्ट हुआ ही नहीं. तो वो वाला पार्ट जो है वो ऐसे हो गया पार्ट. लेकिन फिर आप भी ये वाला पार्ट नहीं खाना चाहते, वो भी वाला पार्ट नहीं खाना चाहते. तो आपने क्या किया फिर, तो आपकी, आप दोनों की हो गई लड़ाई. तो अब वो लड़ाई क्यों हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि आपने उस चॉकलेट के दो पार्ट्स तो किए, बट वो जो दोनों पार्ट्स थे, दीज पार्ट्स आर नॉट इक्वल, ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं हैं, दे आर अनइक्वल. तो वो अनइक्वल पार्ट्स में तो लड़ाई होनी होगी ही. तो इन अनइक्वल पार्ट्स की लड़ाई से बचने का सोल्यूशन होता है टू मेक इट अ हाफ. ठीक है, ये जो दोनों, ये जो दो पार्ट्स बने हैं, दे आर नॉट हाफ, ये आधे आधे नहीं हैं. क्योंकि जो हाफ होते हैं वो तब बनते हैं व्हेन बोथ द पार्ट्स आर इक्वल. जब दोनों पार्ट्स बराबर होंगे देन इट विल बी नोन एज हाफ्स, राइट. तो ये वाला जो है ये तो हाफ नहीं है, ये तो जस्ट सिंपली टू पार्ट्स हैं, दो पार्ट हैं, एक इक्वल मतलब अनइक्वल. जब हमने इनको, इस चॉकलेट को इस तरीके से डिवाइड किया, सो तब क्या मिला हमें, बोथ द पार्ट्स आर समहाउ समवट इक्वल. तो तब ये हुए हमारे हाफ हाफ. देन योर फ्रेंड और योर ब्रदर सिस्टर विल टेक द अनदर पार्ट. ठीक है, आप जो भी पार्ट उसे देना चाहोगे वो आराम से ले लेगा. क्यों, क्योंकि बोथ द पार्ट्स आर इक्वल. सो कहने का मतलब ये है, व्हेन यू डिवाइड अ होल थिंग, व्हेन यू डिवाइड अ थिंग इन टू इक्वल पार्ट्स, देन द पार्ट्स आर नोन एज हाफ्स, राइट. तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहेंगे तो वो ये होगी, हाफ का मतलब होता है डिवाइडिंग इक्वली इन टू पार्ट्स. अब वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ पेपर, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अ चॉकलेट, एनीथिंग. व्हेन यू डिवाइड एनीथिंग इन इक्वल टू पार्ट्स, तो द पार्ट्स आर नोन एज द हाफ्स. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया. अब नेक्स्ट आता है हाउ टू राइट, हाउ टू डिनोट हाफ. तो इसके लिए हम वर्ड्स में लिखेंगे, तो ये तो हाफ हाफ हो गया, ये भी हाफ एंड ये भी हाफ, ये दोनों आधे आधे हैं. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू राइट इट मैथमेटिकली इन नंबर्स, तो हम कैसे लिखेंगे. अब देखो उसको लिखने का क्या मेथड होता है बेटा. आपको पता है कि जब आपने चॉकलेट को डिवाइड किया तो हाउ मेनी पार्ट्स डू यू गेट, यू गेट टू पार्ट्स. तो आपने टू लिख दिया पहले, राइट. अब टू में से आपको कितने पार्ट मिल रहे हैं, ये वाला आपका है, ये वाला आपके फ्रेंड का है. ठीक है, तो आपको कितना मिला टू में से, वन पार्ट. तो टू में से वन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है. एंड हाउ मच पार्ट योर फ्रेंड गेट, उसको भी कितना मिला, टू में से वन पार्ट.
तो इट मीन्स ये जो 1/2 इसे हम कहते हैं 1/2, यानी 2 में से 1, 2 में से 1, तो आप नहीं बोलोगे ना कि 2 में से 1, 2 में से 1, तो इसको मैथमेटिकली बोलते हैं 1/2, ठीक है। तो दिस इज यूज टू डिनोट हाफ, राइट। तो ये जो होगी, ये तो हो गया हमारा कि हाफ क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको यही मिलेगा, यू विल गेट अ शेप, ठीक है, आपको एक शेप मिलेगी। इट कैन बी एनी शेप, इट कैन बी अ सर्कल, इट कैन बी अ ट्रायंगल, एंड यू हैव टू डिवाइड दी शेप्स इनटू इक्वल हाफ्स। हाफ्स आर ऑलवेज इक्वल, जब वो हाफ हैं तो वो इक्वल ही हैं, अदरवाइज वो हाफ होते ही नहीं है, वो तो पार्ट्स कहलाते हैं सिर्फ, ठीक है। तो आपको इनको हाफ्स में डिवाइड करना होगा, जैसे आपने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, आप किसी भी मेथड से डिवाइड कर सकते हैं। द थिंग इज यू शुड डिवाइड इट इन इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, किसी भी तरीके से करो। फिर आपने सर्कल को डिवाइड कर दिया, फिर आपने ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू विल गेट बेस्ड ऑन दिस हाफ कंसेप्ट। नेक्स्ट इज आपको कुछ शेप्स दी जाएंगी, लाइक आपको एक मैंने ट्रायंगल दे दिया एंड उसको मैंने ऐसे दिखा दिया। अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो ट्रायंगल है, ये जो दोनों इसके पार्ट्स हैं, क्या ये हाफ हैं, यस और नॉट, ठीक है। यस और नो में आपको आंसर लिखना होगा और उसको फिर करेक्ट करके भी दिखाना होगा, राइट। तो ये दो क्वेश्चंस हो गए। थर्ड इज अ एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टेक अ प्लेन पेपर ऑफ वाइट कलर, ठीक है। आई एम फोकसिंग ऑन वाइट क्योंकि आपको वाइट ही लेना है बेटा, क्योंकि इसकी आगे की जो एक्टिविटी है वो वाइट पेपर पे ही हो पाएगी। तो आपको एक वाइट प्लेन पेपर लेना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड दैट पेपर इन टू इक्वल हाफ्स, मतलब दो आपको इसको हाफ में डिवाइड करना है। तो आप उसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, एंड आफ्टर ओपनिंग इट, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल गेट अ लाइन, ठीक है। इसको आप अपने स्केच से मार्क कर लेंगे, राइट। आफ्टर मार्किंग इट, आपको इन दोनों पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करने हैं, जस्ट टू शो द हाफ्स वेरी क्लियरली, ताकि जो भी आपके पेपर को देखे वो अपने आप देख के समझ जाए, ओ देर आर टू हाफ्स, ये तो दो हाफ्स हैं, ठीक है। तो आपको इन पे दो डिफरेंट कलर्स करने हैं, सेम कलर नहीं करने, डिफरेंट कलर ऑन ईच पार्ट। आफ्टर कलरिंग यू विल गेट लाइक दिस, मैंने जैसे ब्लू और रेड किया, यू कैन डू एनी कलर, यू कैन फिल एनी कलर। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू पेस्ट इट इन योर नोटबुक, एंड इन विच वे आई एम टेलिंग यू। आपको इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं चिपका देना है, ठीक है, आपको इसके सिर्फ एक पार्ट पे ही फेविकोल लगानी है। लाइक आपने इसका एक पार्ट ले लिया, ठीक है, या इस वाले पार्ट पे आपने फेविकोल लगा दी और इसको ऐसे पेस्ट कर दिए, तो ये वाला पार्ट आपका ओपन रहेगा, ठीक है, या फिर आप इस पे चिपकाओगे तो ये वाला ओपन रहेगा। तो आपको इन दोनों में से किसी एक पार्ट पे फेविकोल लगानी है और दूसरे पार्ट को ओपन छोड़ना है, और उसके बाद आप इसको क्लोज करके रख लेंगे, ठीक है, बंद करके रखेंगे, ताकि जो भी आपकी कॉपी देखे वो खोले कि ओ इसमें क्या है, तो वो देखेगा कि ओ देर आर टू हाफ्स, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको इसको इस तरीके से पेस्ट करना है। ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, आप ऐसे दो पेपर कटिंग लेकर दो करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे एक रेक्टेंगल का एग्जांपल मैंने दे दिया, यू कैन कट आउट एनी ट्रायंगल, यू कैन कट आउट एनी पेंटागन, हेक्सागन और एनी अदर शेप, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Today I gave you the concept of half. In the next class, I will come with a different concept. Okay, so till then, stay home, stay safe, and all the best.